बात की तुम गारंटी दे सकते हो? बिल्कुल सर, मैं अपने तरफ से गारंटी दे सकते हो। बेसिकली स्टूडेंट मैं गारंटी दे सकता हूँ, अगर आप यहाँ आते हो तो मैं सर की तरफ से मैं गारंटी दे सकता हूँ किसी तरह की आपको दिक्कत नहीं आएगी। और उसकी फीस वेस्ट हो गई तो मैं रिटर्न करूंगा सर। मेरा नाम बिल्कुल मैं लाइव बोल रहा हूं और मैं लिख के दे सकता हूं इस बात को। आपको सिर्फ थ्योरी लिखवाया जाता है क्या? दिन भर बैठ के सुबह से बैठ कर थ्योरी लिख रहे हो क्या? नहीं, थ्योरी के साथ थ्योरी बहुत कम है, प्रैक्टिकल बहुत ज्यादा है। कम फीस वाले इंस्टीट्यूट में क्यों नहीं गए? बस सर उसमें विश्वास नहीं था। ऑनलाइन क्यों नहीं सीखा? बस ऑनलाइन में समझ में नहीं आता सर। मतलब तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर था, एसे टेलीकॉम में भरोसा था। यस सर। आप ही से आए तो आप उसको अपनी गारंटी दे सकते हैं क्या? जी बिल्कुल दे सकता हूँ। यहाँ डरने की बात? खाना पीना कैसा है यहाँ? बहुत बढ़िया सर। बहुत बढ़िया है। फैमिलियर मिल रहा है यहाँ पर? एकदम बिल्कुल। टीचर यहाँ पे डॉक्टर डूटते तो नहीं? नहीं नहीं सर। पहले दिन में एमएमसी रिवेल किया, उसके बाद ड्यूएलटी का सीपीयू रिवेल किया, आज तीसरा दिन वन सेट से पावर आई से निकाल के फिर से रिवॉल्व करके चालू किया। ये आप पहले करते थे? नहीं सर। कम फीस वाले इंस्टीट्यूट में क्यों नहीं गए? बस सर उसमें विश्वास नहीं था। ऑनलाइन क्यों नहीं सीखा? बस ऑनलाइन में समझ में नहीं आता सर। मतलब तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर था, एसे टेलीकॉम में भरोसा था। यस सर। कि वाकई में अगर कोई स्टूडेंट यहाँ आता है जो फ्रेशर है, जो घबरा रहा है, वो यहाँ सीख सकता है कि नहीं सीख सकता? एक थोड़ा सा भी ना घबरा है सर, यहाँ अगर आ रहे हैं सर तो एकदम बिंदास होकर। मैं देवोदन अग्रवाल, एसे टेलीकॉम, 28 मई का बैच। हेलो yes, किस किस में है जोश? yes, आज 3 दिन का आउटपुट निकला हमारा। हेलो yes, पहले दिन में एमएमसी रिबोल की 5 टाइम किस किस ने की जल्दी बताओ। yes, दूसरे दिन में सीपीयू रिबोल किया। हेलो yes, आज सवेरे लाइव पावर आईसी कौन कौन लगा कर बैठा है? yes, और डेली कॉम्पोनेंट 2 दिन से करने के बाद आज बोर्ड को देखने का नजरिया बदला। हेलो yes, आज हमने डीएसओ का भी काम देखा, आज हमने आईसीओ का एक अच्छा डाटा स्ट्रक्चर समझा कि नहीं समझा? yes, आज हमें बोर्ड को देखने का नजरिया बदलेगा कि नहीं बदलेगा? yes, इवन आज हमने सीपीयू को पढ़ना सीखा। हेलो yes, कौन कौन सीपीयू को पढ़ सकता है? yes, और अभी तो सर हमने शुरुआत की है। yes, हम तो डेली इसी को एक काम पे करना है। हेलो yes, कोई क्लास अभी खत्म नहीं हुई है, अभी तो प्रैक्टिकल है हमारा। हेलो yes, सो मैं एक बात थोड़ा छोटा छोटा सबसे जानना चाहूंगा। 2 मिनट करे हो, क्या नाम है? मेरा नाम विजय ठाकुर है। मैं यूपी वेस्ट से हूँ। विजय क्या करते थे? सर पहले मैं फोल्डर डिस्प्ले वगैरह लगाता था, बस काम आता था। नहीं सर, एसे टेलीकॉम आने से पहले डाउट था? हाँ, बहुत डाउट था कि सीख पाएंगे कि नहीं सीख पाएंगे। आज अगर मैं बोलूँ तीसरे दिन में 1 पैसा वसूल, आज तुम्हारा वाकई में हो गया सर? आज घर से बात करते हो तो संतुष्ट हो अपने? बिल्कुल सर। ये समझ सकते हो कि आप इतना सिखा रहे हैं आगे और लेके जाएंगे? यस सर। चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मुझे क्या नाम है आपका? आओ बताओ। सर मेरा नाम राधेश्याम, मैं यूपी से हूँ। यूपी में? राधेश्याम क्या करते थे? सर शॉप चलाते हैं। अच्छा, कनेक्टर वनेक्टर चेंज करते थे। आईसी लेवल पे काम किए? नहीं किए। कभी यूट्यूब देख के आईसी वाईसी तो निकाली होगी ना? हाँ बहुत सर, खराब किए। पर कभी बनाए? नहीं बनाए। पर कंसेप्टली अगर हम समझे, अगर 3 दिन को लेकर अगर हम कुछ सेट बनाने बैठेंगे तो हम बना सकते हैं क्या? जी बिल्कुल बना सकते। मुझे बताओ, दो दिन में आपने क्या क्या काम किया? सर आईसी रिवॉल्व करना सीख गया और पावर आईसी लगा लेता हूँ, और सीपीयू रिबोल किया। आपने ये दोनों जो किया सिर्फ एक बार किया या अच्छा परफेक्शन के साथ किया? नहीं, अच्छा परफेक्शन के बाद कई बार किया और आगे भी करेंगे। हेलो करेंगे जी, कल सीपीयू लगाएंगे जी परफेक्ट तरीके से। मैं जानना चाहता हूँ अगर कोई और पूरी दुनिया को बताओ कि हम सारे सीपीयू लगाएंगे। हेलो 3 दिन में सर हम रिवॉल्विंग करना सीख गया, और क्या कहते हैं ट्रैक सीख गया, पीसीबी पहचानने लगे, आईसी का भी वर्क करना सीख गए थोड़ा। आज आपने क्या किया प्रैक्टिकल में? आज मैंने ऑन सेट में से पावर आईसी निकाल के फिर उसको रिवॉल्विंग करके फिर से लगाया सर। तीसरे दिन? अच्छा, पहले दिन एमएमसी रिवॉल्व डन किया कि नहीं किया? यस सर। दूसरे दिन पावर आईसी डुअल टेकर से रिवॉल्व किया? हाँ यस सर। तीसरे दिन ऑन फोन से पावर आईसी रिवॉल्व करके फिर से लगा के चालू किया। बिल्कुल जी सर, 3 दिन पहले मैं आया था सर, से बात हुई थी मेरी। मैं 2-3 जगह पहले भी जाके आया था, लेकिन मेरे को क्या सेटिस्फाई जवाब नहीं मिला। मैं 2 साल से एशिया टेलीकॉम को फॉलो कर रहा हूँ, फिर मैंने सर से बात की तो सर ने बोला भाई आप आ जाओ, हम आपको गारंटी से सिखा के ही भेजेंगे। बताओ कल तुम क्या करने वाले हो? कल हम लाइव सीपीयू निकालने वाले हैं जिस फोन का। एक्चुअली क्या, हमने आज लाइव फोन से पावर आईसी निकाली, रिवॉल्व की और 2 टाइम की, और दोनों बार सक्सेस हुए 101%।
100%। सो उम्मीद हमें कल भी 100% सक्सेस मिलेगी सीपीओ रिवॉल्व करने में। और हम सिर्फ एक बार नहीं करेंगे, हम डेली करेंगे, कंटिन्यू कई बार। बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा। मैं 14 साल से काम कर रहा हूँ, पर मुझे वो चीज की जानकारी नहीं थी जो 3 दिन के अंदर मिल गई। अभी बहुत दिनों से काम कर रहा था, लेकिन जो प्रोफेशनलिज्म यहाँ पे मिला है वो किधर भी नहीं मिला है। और मैं काम करते करते मतलब जो ट्रिक्स वगैरह सर ने दिया है, जिसमें दो दो तीन तीन घंटे जाया हो रहे थे मेरे, तो 5 मिनट में काम हो रहा है। कितने बजे आए आज आप? 6 बजे आए। तो 6 बजे मॉर्निंग में क्लास लग रही है? Yes, हम तो यूट्यूब में अपने लैब में बैठकर मैं तो बोल देता हूँ कि हम इतने बजे क्लास लगाते हैं, तो लाइव होता है, लाइव होता है। बताना चाहूंगा हिंदुस्तान में इतने सारे इंस्टीट्यूट हैं जो 25 से नहीं 35-40 हज़ार से फीस ले रहे हैं रहने का, नहीं क्योंकि आप अगर वहाँ जाते तो रहने का आप अलग से 10,000-15,000 पे करते, सो ले देके आप 40-45-50 हज़ार तक पहुँच ही जाते। बट वहाँ पर 8-8 दिन तक सिर्फ रिबोलिंग सिखाई जाती है, आपको पता है यहाँ पर, क्योंकि कोर्स को पूरा करना है, आप रिबोलिंग कुछ ना कुछ तो प्रैक्टिकल करना ही है ना भाई। यहाँ तो पहले दिन ही रिबोलिंग हमने डन करके आगे कि चलो आप जो भी काम करेंगे, आपको ये भी बात बताया कल आप सीपीयू लगाने वाले हैं, कौन कौन लगाने वाला कल सीपीयू? सब लाइव। चलो ठीक है, मैं जानना चाह रहा हूँ वेस्ट बंगाल से बच्चे आना चाहे और बोले कि मुझे तुमसे बात करा दो, तो तुम बात करोगे? एकदम 100% गारंटी भी दे सकते हो? गारंटी सर। ठीक है, और अगर हम ये सोचें कि हम कॉम्पिटेंट को नहीं सीखेंगे तो हम जिंदगी भर छोटे मोटे टेक्नीशियन बन के रह जाएंगे। यस सर। मैं आपको टीचर बनाने चाहता हूँ। हेलो यस सर। इसके लिए मैं आपको हर तरह का डाटा दे रहा हूँ कि नहीं दे रहा हूँ? आप मुझे बताओ प्रैक्टिकल में पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन क्या हुआ? मैं पहले दिन सुबह आके एएमसी को रिबोल किया। आपने भी? मेरा भी। डन किया? आपने डन किया। उसके बाद सीपीओ रिबोल किया। सीपीओ रिबोल किया यूनिवर्सल से? यूनिवर्सल से। हाँ, मैंने भी किया। और आज, आज फिर सुबह मैंने ऑन सेट से पावर आईसी निकाल के फिर उसको रिवॉल्व करके लगाया सेट एक ही बारे में। शाम को फिर से निकालोगे? यस सर। पर इस बार डाटा शीट भी बनाओगे? यस बनाएंगे। কোনো চিন্তা করার কিছু নেই, নিয়ে সবাই আসতে পারো, এখানে এসে 100% গ্যারান্টির সাথে কাজ শিখে যেতে পারো। আপনি কিছু আপনি ভাষা আমাকে প্লিজ। আমি বলতে চাই যে আপনারা যদি আসতে চান এসে এখানে কাজ শুধু বুঝে লিয়া, তোমাকে নিজে তুমি নিয়ে যেতে পারলে হবে কাজ শিখে। डरने की बात? खाना पीना कैसा है? बहुत बढ़िया सर। बहुत बढ़िया है, फैमिली मिल रहा है यहाँ पर? एकदम बिल्कुल। टीचर यहाँ पे डांटे डूटते तो नहीं? नहीं नहीं सर भाई, टीचर तो टीचर है, बट अगर सही बात पे डांटेंगे तो डांटना बहुत जरूरी है, तो टीचर ही खराब है। हेलो सर। बट अगर हमारे बट ये है कि यहाँ जो भी टीचर समझाता है जिस लैंग्वेज में, समझ में आता है? जी बिल्कुल समझ में। चलो ठीक है, आपका नाम बताइए। सर मेरा नाम दुर्गेश है। दुर्गेश, यूपी? यस सर। यूपी दुर्गेश, आप बताएंगे क्या करते हैं आप? सर शॉप चलाते हैं। शॉप क्या की, किस बात की? सर रिपेयरिंग की काम करते हैं हम। यस सर। तो ये जो 3 लेवल 3 दिन का काम किया आपने, अपने पुराने टाइम पे इतना काम कर लेते थे? नहीं सर। 3 दिन में और अभी में दुर्गेश में कितना फर्क है? सर बहुत फर्क है, है ना? बहुत फर्क है। क्या कहना चाहोगे मतलब अपनी लैंग्वेज में उन बच्चों को जो अभी एक दूर रहे कि इंस्टीट्यूट जाए या जो ऑनलाइन या जो सस्ते कोर्स के चक्कर में? क्या सर, मैं सभी से यही कहना चाहूँगा सर कि सस्ते इंस्टीट्यूट पे ना जाएं सर। जिसको भी सीखना है वो अभी एशिया टेलीकॉम पे सीखना है। अच्छा भाई, एशिया टेलीकॉम की कैप, ये हमारे कैप जो हमें मिली है ये ZX मलिक सर ने हमें दी है। हेलो। हाँ, ये सपोर्टेड बाय ZX मलिक सर है, और मैं कहने में बिल्कुल नहीं वो करूँगा, क्योंकि मैं जिनके साथ जो मुझे लेके चले हैं और मैं उनके साथ ज़िंदगी भर रहना चाहता हूँ। समझ में आ रहा है? हाँ, मैं वो नहीं हूँ जो जिनने आज आपका साथ दिया और कल जब बड़े उस पर आ गए तो साथ छोड़ने वाले नहीं है, जिनका पकड़ेंगे आखिरी तक लेके जाएंगे। हेलो। सो बिल्कुल नहीं है, ZX मलिक सर के बाय सपोर्टेड ये कैब हमें मिली है। थैंक यू वेरी मच सर, अभी चाइना से आए हैं और मलिक सर को भी आज जबलपुर में बुलाएंगे। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि वाकई में अगर कोई स्टूडेंट यहाँ आता है जो फ्रेशर है जो घबरा रहा है वो यहाँ सीख सकता है कि सर नहीं? वो एक थोड़ा सा भी ना घबरा है सर, यहाँ अगर आ रहे हैं सर तो एकदम बिंदास होकर। पावर आईसी रिवल गर्यौँ त्यो पनि सक्सेस भयो त्यसमाथि। चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आपका नाम बताइए। मेरा नाम नासिर है, मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। हाँ नासिर, मुझे बताओ वेस्ट बंगाल वाले बच्चों से क्या बोलना चाहोगे कि जो यहाँ पर आने पर घबराए या क्या करने है? मतलब
क्या करना चाहिए कि आए नहीं आए, डेमो लेना चाहिए क्या यहाँ पर? हमें डेमो आना चाहिए सर यहाँ पर, मुझे बताओ अगर यहाँ डेमो लेने का कोई सीन है क्या? नहीं नहीं, डेमो का कोई सीन नहीं है। मतलब अगर हम डेमो दे भी दें तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमारी पहले दिन की इतनी अच्छी पढ़ाई है कि वो डेमो जैसी ही है, मतलब डेमो से भी कहीं ऊपर है। तो डेमो में क्या हो रहा है, एक सेट बना के दिखा दे रहे हैं, पर अगर हम स्टूडेंट से ही काम करवा रहे हैं तो ये तो बहुत बढ़िया है ना, बड़ी बात है ना। आज आप पहले दिन में एमएमसी रिवोल किया, पहले दिन में एमएमसी रिवोल किया, उसके बाद डुअल्टी का सीपीयू रिवोल किया, आज तीसरा दिन वन सेट से पावर आईसी निकाल के फिर से रिवॉल्व करके सेट ऑन किया। ये आप पहले करते थे? नहीं सर। आज आपने मेरी क्लास में क्या अटेंड किया? मेरी क्लास में आईसी आइडेंटिफिकेशन, आईसी इसको किस तरीके से समझा आपने? समझ में आया जितना भी मैंने आपको समझाया? अच्छा अच्छा तरीके से समझ में आया। और आपके पास में कितने नोट्स हैं? डिजिटल नोट्स लेके जा रहे हैं आप लोग यहाँ से? हेलो दादा, भूलने या डाउट का कोई भी चांस दे रहा हूँ क्या मैं? नहीं दे रहा हूँ। बताओ नेपाल से? यस सर। नेपाल में कहाँ से? नेपाल इंटरडी सेट से। नेपाली बोलिए पूरा, ठीक है? तो मैं नेपाली में नेपाली बच्चों से जानना चाहूँगा, क्या बोलना चाहोगे जो यहाँ नेपाल से आना चाहते हैं उनको? यहाँ आने भन्दा अगाडि तपाईहरुलाई कुनै पनि डराउनु पर्दैन, किनभने एसिया टेलिकम मा चाहिँ एकदम पर्फेक्ट तरिकाले यहाँ गर्न सकिन्छ। यहाँ आउनु भएमा तपाईहरुलाई सबै डाउट क्लियर हुन्छ, किनभने यहाँ सबै कन्फर्म तरिकाले तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ, किनभने राम्रोसँगले यहाँ प्र्याक्टिकल प्लस थ्योरी सबै हुन्छ। ये तीन दिन का आउटपुट है, हमें कुछ ऐसा नहीं है कि हम रिपीटिंग सीख गए, हम तो सिर्फ जानना चाहते हैं तीन दिन में हमने क्या सीखा है। हेलो यस सर, जेन्युइन तरीके से बात करनी है। और ये तीन दिन में आपने प्रैक्टिकली क्या क्या काम किया मुझे बताओ? एमएमसी रिबॉल क्या क्या, सीपीयू रिबॉल क्या क्या? तीन दिन भित्र में मैं चाहे सीपीयू एमएमसी चार्ज आईसी पावर आईसी सब रिबॉल कर सिके, ते पच्ची लाइव हमें ऑन सेट में चाहे पावर आईसी रिबॉल गयम तो सक्सेस भेसमी। तो आप जैसे और अगर नेपाल, आपकी उम्र कितनी है? मेरा 20 साल। 20 साल में आप ये नेपाल से यहाँ पर आए, ये सोच के घर वालों को जब बात होती है, अभी बातचीत करते हो घर वालों से तो बोलते होंगे कुछ काम कर रहे हो सीख रहे हो, तो क्या बोलते हो, क्या जवाब देते हो उनको? बोलते हैं कि अच्छा सीख रहे हैं, अच्छा है, खाना पीना सब रहना सब बढ़िया है। आपने फीस के अलावा कोई पैसे यहाँ पर जमा किए हैं क्या? किसी को भी फीस के अलावा कोई और पैसे, कोई अपडेट का भी पैसा बोला क्या? किसी भी चीज़ का पैसा नहीं। चलो ठीक है, मुझे बताओ आपका क्या नाम है, जल्दी बताओ। मेरा नाम नितेश कुमार शाह है। नितेश क्या करते थे? मैं दुकान चलाता था। दुकान किस बात की? किसकी? रिपेयरिंग की। क्या करते थे रिपेयरिंग में? मैं ये कहना चाहता हूँ टेक्निकली देखो, दुकान में बैठने को रिपेयरिंग नहीं बोलते, बोर्ड को रिपेयर करने को दुकान में रिपेयरिंग बोलते हैं। नॉर्मल बेसिक रिपेयरिंग, फोल्डर आला था, फोल्डर वोल्डर चेंज करते, चार्जिंग पोर्ट सब आता था। अभी आईसी लेवल के लिए आए हो, एशिया टेलीकॉम को क्यों चुना? यहाँ पे बहुत अच्छा तरीका से परफेक्ट तरीके से सिखाता है। सिखाते हैं? हाँ। पक्का सिखाते हैं? पक्का सिखाते यहाँ पर। अच्छा, यहाँ के ओनर है वो खुद सिखाते हैं या वो कोट पहन के घूमते रहते हैं यहाँ पर? नहीं, वो खुद आके सिखाते, खुद आके सिखाते हैं। हाँ। यहाँ पर तो मैं कहना चाहूँगा और भी यहाँ पे जो टीचर है, एमडी सर है और आने वाले, वो भी बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर आपको मिलने वाले हैं, सेक्शंस आपको समझने वाले। क्या यहाँ पर आपको सिर्फ थ्योरी लिखवाया जाता है क्या? दिन भर बैठ के सुबह से बैठ कर थ्योरी लिख रहे हो क्या? नहीं, थ्योरी के साथ थ्योरी बहुत कम है, प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा है। अगर मैं आपको बोलूं आपकी कॉपी में तो देखा जाए तो मैं कुछ भी नहीं लिखवा रहा हूँ। हेलो, सिर्फ खोली न्यूमेरिकल चीज़ें लिखवा रहा हूँ, समझ रहे हो? वो भी उसमें भी आपके पास में वीडियो रिकॉर्डिंग है, आपके पास फोटोज़ हैं, सब कुछ है। अच्छा, हर चीज़ जो मैं थ्योरी में आपको बता रहा हूँ वहाँ सर्किट में, क्या वो यहाँ पर प्रैक्टिकल में उसको प्रैक्टिकली करके दिखा रहा हूँ कि नहीं दिखा रहा हूँ? हेलो, बिल्कुल प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ, उसमें हमारा सीन क्लियर हो जाता है, क्लियर हो जाता है, क्योंकि हमें समझ में आता है ना कि हम जो देख रहे हैं वो वहाँ पर बोर्ड में कहाँ है ना। हाँ सर, ठीक है भाई, एक मिनट खड़े हो जाओ प्लीज। क्या नाम है? मेरा नाम कमल बेच है, वेस्ट बंगाल से हूँ सर। कमल, मुझे बताओ वेस्ट बंगाल से यहाँ पर क्यों आए, दिल्ली क्यों नहीं चले गए? मैं 2 साल से फॉलो कर रहा था आपको, आपका वीडियो जब भी आता था लाइव हम देखते थे आपको, एशिया इसलिए आते, मुझे उस पर भरोसा है आपको, भरोसा सही निकला। यस सर, यहाँ आके बिल्कुल भी ऐसा डाउट किया कि एक दिन के बाद 2 दिन के बाद लगे अरे ये तो बहुत अति में सिखा रहे हैं, बहुत ज़्यादा ऐसा। सुबह कितने बजे आए आज आप? 6 बजे आए, तो 6 बजे मॉर्निंग में क्लास लग रही है? हम तो यूट्यूब में अपने लैब में बैठकर मैं तो बोल देता हूँ कि हम इतने बजे क्लास लगाते हैं, तो लाइव होता है, लाइव होता है। और रात में भी हम जा रहे हैं तो पूरा डाउट क्लियर करके जाते हैं, कभी ऐसा तो नहीं कि टीचर ये बोलता है कि कल पढ़ लेंगे, अरे कल आ जाना? पहले थोड़ा थ्योरी होता है, थ्योरी मतलब थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल भी होता है। आपको मैं बताना चाहूंगा, हिंदुस्तान में इतने सारे इंस्टीट्यूट हैं जो 35-40 हज़ार से फीस ले रहे हैं, रहने का नहीं, क्योंकि आप अगर वहाँ जाते हैं तो रहने का आप अलग से 10,000-15,000 पे करते, सो ले देके आप 40-45-50,000 तक पहुँच ही जाते।
बट वहाँ पर 8-8 दिन तक सिर्फ रिबोलिंग सिखाई जाती है, आपको पता है यहाँ पर, क्योंकि कोर्स को पूरा करना है, आप रिबोलिंग कुछ ना कुछ तो प्रैक्टिकल करना ही है ना भाई। यहाँ तो पहले दिन ही रिबोलिंग हमने डन करके आगे कि चलो आप जो भी काम करेंगे, आपको ये भी बात बताया है, कल आप सीपीयू लगाने वाले हैं, कौन कौन लगाने वाला है कल सीपीयू? सब लाइव। और आपको लग रहा होगा सिर्फ कल है, नहीं, कल की क्लास नहीं है, कल के बाद एक पूरा अपन बीबेट की क्लास अटेंड करेंगे। हेलो, उस बीबेट को अपन पूरा ट्रेसिंग के लेवल पे लेंगे, समझ रहे हो? पर जब अगले दिन ऑडियो की क्लास में आएंगे, उस क्लास के बाद अपन हर रात में 1 घंटा सीपीयू एमएमसी करके जाएंगे। हेलो, वो भी लाइव बोर्ड में। एक बार चढ़ के लिए जोरदार ताली बजाओ। मतलब हम अपनी हैंड स्किल पे डेली काम करेंगे और हम उसके बीच में स्वैपिंग भी करेंगे। हेलो, जैसा कि मैंने बोला था। तो यार इतना सब कुछ एक इंस्टीट्यूट वाकई में दे रहा है, ये वाकई में सही है कि ऐसे ही है? नहीं सर, एकदम सच भावना तो नहीं लग रहा है। नहीं, चलो ठीक है, मैं जानना चाह रहा हूँ वेस्ट बंगाल से बच्चे आना चाहें और बोले कि मुझे तुमसे बात करा दो, तो तुम बात करोगे? एकदम 100% गारंटी भी दे सकते हो? गारंटी सर। ठीक है, आप बताओ, आप भी खड़े हो जाओ दोनों। क्या नाम है? मेरा नाम सामरुल है, वेस्ट बंगाल से। मेरा नाम फोरिजुल मंडल है, मैं भी वेस्ट बंगाल से। आप साथ के हो क्या? क्या खड़े किया आपको यार? मतलब मेरे को पता नहीं था कि तुम दोनों साथ के हो, पर मैं ऐसे ही, चलो आप साथ में हो तो साथ में रिव्यू दो। आप मुझे बताओ, क्या आपने अब तक समझा हमको? हम तो बहुत कुछ समझे सर, अब तो आप माने मेरा को इतना नॉलेज ही नहीं था, मैं तकरीबन 14 साल से काम कर रहा हूँ। बिल्कुल, लेकिन कंपोनेंट के बारे में इतना कुछ मुझे मालूम ही नहीं था। ये पता होना जरूरी है कि नहीं जरूरी है? ये तो जरूरी है सर, क्योंकि आप देखो कि कल या हम किसी भी फोन को रिपेयर करेंगे आगे जाकर, तो सीधे आईसी को नहीं उठाएंगे। हेलो, नहीं सर, हम पूरा ट्रेसिंग के बाद। और अगर हम ये सोचे कि हम कॉम्पिटेंट को नहीं सीखेंगे, तो हम जिंदगी भर छोटे मोटे टेक्नीशियन बन के रह जाएंगे। यस सर, मैं आपको टीचर बनाने चाहता हूँ। हेलो यस सर, इसके लिए मैं आपको हर तरह का डाटा दे रहा हूँ कि नहीं दे रहा हूँ? यस सर। आप मुझे बताओ, प्रैक्टिकल में पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन क्या हुआ? मैं पहले दिन सुबह आके एमसी को रिबोल किया। आपने भी? मेरा भी। डन किया आपने? डन किया। उसके बाद सीपीयू रिबोल किया। सीपीयू रिबोल किया यूनिवर्सल से? यूनिवर्सल से। हाँ, मैंने भी किया। और आज, फिर सुबह माने ऑन सेट से पावर आईसी निकाल के फिर उसको रिवॉल करके लगाया सेट एक ही बारे में। आप शाम को फिर से निकालोगे? यस सर। पर इस बार डाटा सीट भी बनाओगे? यस बनाएंगे, है ना। तो एसर टेलीकॉम से की तरह मतलब हमारे हिसाब से पढ़ने पे आउटपुट निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है? निकल रहे सर। अगर टीचर को फॉलो करोगे तो सक्सेस मिलेगा? यस सर, ये बहुत आगे जाएगा। वेस्ट बंगाल में आने वाले लोगों के लिए क्या बोलोगे? কোনো চিন্তা করার কিছু নেই, নিবয়ে সবাই আসতে পারো, এখানে এসে 100% গ্যারান্টির সাথে কাজ শিখে যেতে পারো। আপনি কিছু আপনি ভাষায় প্লিজ। আমি বলতে চাই যে আপনারা যদি আসতে চান, এসে এখানে কাজ শুধু বুঝে লিয়া, তোমাকে নিজে তুমি নিয়ে যেতে পারলে হবে কাজ শিখে। আপ লোকের কা কে বলা, আমি মিলন স্যার সে পুছুঙ্গা। করো আপ দোনো। अरे हो गया, आप लोग आप दोनों खड़े रहो। हाँ भाई बताओ, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम अजय है, मैं बनारस से आया हूँ। वेरी गुड अजय, सबसे बड़ी बात तो तुम हंसते बहुत अच्छा हो, मतलब बहुत अच्छी स्माइल है तुम्हारी। मैं अपनी बीबी से तुम्हारी बात कर रहा था। मैं कह रहा था हम लोग ऐसे ही आपस में बात कर रहे थे, तो मैं कह रहा था कि देख दुखी तो दूरी दुनिया है, एक इसको देख यहाँ पर। तो हर मंदिर है ना बनारस में, वहाँ मेरा घर ही है। अच्छा, गंगा जी के किनारे। तो हम तो आएंगे और हमें वहाँ थोड़ा घुमाओगे फिराओगे? 100%, क्योंकि मोदी जी वहाँ हमेशा आते रहते जाते रहते हैं। मोदी जी के बहन। तो मुझे बताओ अजय, हाँ, क्या सीखा है सर टेलीकॉम से 3 दिन के अंदर? 3 दिन में सर हम रिबॉलिंग करना सीख गया, और क्या कहते हैं ट्रैक सीख गया, पीसीबी पहचानने लगे, आईसी का भी वर्क करना सीख गया थोड़ा। आईसी आज आपने क्या किया प्रैक्टिकल? प्रैक्टिकल में आज मैंने ऑन सेट में से पावर आईसी निकाल के फिर उसको रिबॉलिंग करके फिर से लगाया सर। तीसरे दिन। अच्छा, आप शाम को फिर से करोगे सर? हाँ। अभी पूरे दिन भर की मेरी क्लास में क्या सीखा आपने? आपने हमको सिखाया कि सर ये आईसी और ये स्पेटिक डायग्राम है, उसको मैंने पहचाना है। हाँ। बहनों चलाना सीख गया, आईसी काउंटिंग हो गया। हाँ। और आईसी आइडेंटिफिकेशन हो गया। हाँ, हाँ। पावर आईसी सीपीयू इन सब के वर्जन पहचान सकते हैं? हाँ, हाँ। ठीक है, आपका क्या है, क्या नाम है? मेरा नाम मुकेश निषाद है, मैं छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ से मुकेश, मुझे बताओ क्या करते थे? शॉप में काम करते। कितने साल के हो? 23 साल के हो। माँ बाप ने यहाँ भेजा, कुछ सोच के भेजा होगा ना सीखेंगे? इन दिल्ली क्यों नहीं गए, बड़े इंस्टीट्यूट में क्यों नहीं गए मैडम वाले? यहाँ भरोसा था, भरोसा सर। था यस। यहाँ भरोसा पक्का है? यस सर। निकल गया? यस मतलब सर। रिजल्ट निकल रहा है? यस सर। यहाँ के टीचर आपको सपोर्ट कर रहे हैं? यस सर। आपने पहले दिन एमएमसी रिपोर्ट डन किया कि नहीं किया? यस सर। दूसरे दिन पावर आईसी डुअल टेकर ये सब रिबॉल किया? हाँ, ये। अच्छा, तीसरे दिन ऑन
ऑन फोन से पावर आईसी रिवॉल्व करके फिर से लगा के चालू किया। बिल्कुल, मुझे दो जरा, आप दोनों खड़े हो जाओ, ठीक है बैठ जाओ। क्या नाम है? कोरव, राजस्थान से हूँ मैं। राजस्थान, राजस्थान की कुछ भाषा आती है क्या? नहीं सर, नहीं आती। हाँ, तुम्हारा क्या नाम है? सुनील राज। सुनील कहाँ के हो? बेसिकली मैं जम्मू से आया। जम्मू से हो? जम्मू की तुम्हारे वो आती है? नहीं आती। नहीं सर, क्या मैं हूँ तो एमपी का। एमपी के हो, मैं तो रहते जम्मू में। सुनील मुझे बताओ, तीन दिन का क्या आउटपुट है? जी सर, तीन दिन पहले मैं आया था सर, से बात हुई थी मेरी, मैं दो तीन जगह पहले भी जाके आया था, लेकिन मेरे को क्या सेटिस्फाई जवाब नहीं मिला। मैं दो साल से एशिया टेलीकॉम को फॉलो कर रहा हूँ, फिर मैंने सर से बात की तो सर ने बोला भाई आप आ जाओ, हम आपको गारंटी से सिखा के ही भेजेंगे। ये सब बोलते हैं जी, तो सस्ते फीस वाले तो ये बहुत ज्यादा बोलते हैं, वो तो और जी जी करके बात करते हैं, वो अपने स्टूडेंट को क्लाइंट बना लेते हैं। मैंने आज तक अभी बहुत सारे लोगों को पढ़ाया, मैंने मतलब सिर्फ इंस्टीट्यूट वालों की बात कर रहा हूँ, उनको और या उनके बच्चों को, पर मैं कभी ये नहीं, मैं सोचता हूँ कि अपने नॉलेज और अपनी दम से आगे बढ़ूंगा। जी सर, किसी का नाम यूज करके आगे नहीं बढ़ना है। तो आप बताओ, अब आप यहाँ सेटिस्फाई हो? बिल्कुल सेटिस्फाई हूँ सर। मतलब तीन दिन का रिजल्ट बिल्कुल सही मिल रहा? जी सर बिल्कुल। क्या लगता है आगे और बहुत अच्छा सीख पाएंगे? बिल्कुल सर सीख पाएंगे, कुछ सिखाऊंगा मैं आपको। बताओ अपना, बताओ कुछ, बैठो अपने बारे में। हेलो सर, मेरा नाम सुनील राज है और मैं कई साल से काम कर रहा था, बट मुझे बेसिक जानकारी के अलावा कोई खास जानकारी नहीं थी। सो यहाँ आके मुझे कई चीज़ों के बारे में जानकारी मिली जो कि मुझे पहले नहीं थी। सो मैं चाहता हूँ अगर कोई इस काम में इंटरेस्टिंग है तो इस हमें ज्वाइन करे, सर की क्लास ज्वाइन करे और अपना फ्यूचर बना सकते हैं इसमें। इसमें काफ़ी स्कोप है और काफ़ी डिमांड है। इस बात की तुम गारंटी दे सकते हो? बिल्कुल सर, मैं अपने तरफ से गारंटी दे सकते हो, बेसिकली स्टूडेंट मैं गारंटी दे सकता हूँ। अगर आप यहाँ आते हो तो मैं सर की तरफ से मैं गारंटी दे सकता हूँ, किसी तरह की आपको दिक्कत नहीं आएगी। और उसकी फीस वेस्ट हो गई तो मैं रिटर्न करूंगा सर। मेरा नाम बिल्कुल, मैं लाइव बोल रहा हूं और मैं लिख के दे सकता हूं इस बात को। अगर किसी स्टूडेंट को लगता है कि मैंने पैसे दिए हैं और मुझे उसका फायदा नहीं हुआ, सो मैं अपना नाम और नंबर छोड़ सकता हूं यहां पे, आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और मैं रिटर्न दूंगा, इस बात की गारंटी मेरी है। और ऐसा कभी आने हम देंगे नहीं, ये बात ये जानते हैं, ये बात हम जानते हैं कि ऐसी शिकायत कभी नहीं मिलेगी। जो डे वन से ये एक मेरा एटीट्यूड और मेरे पॉजिटिव एटीट्यूड देख रहे हैं। हेलो सर, आपको पता था जब डे वन में मैंने आया कि मैं आपको तीसरे दिन ये करवा दूंगा, चौथे दिन ये करवा दूंगा, तो कहीं भी एक सेकंड के लिए आपको लगा कि मैं कहीं नर्वस हो रहा हूं सब? हेलो सर, जबकि इतने सारे लोग, और मैंने ये भी नहीं बताया कि कौन क्या करता है, बट मुझे पता था कि हम करवा देंगे। हेलो सर, क्योंकि हमें हमारी स्किल में भरोसा है। आप मुझे बताओ कल तुम क्या करने वाले हो? लाइव हम लाइव सीपीओ निकालने वाले हैं जिस फोन का, एक्चुअली क्या हमने आज लाइव फोन से पावर आईसी निकाली, रिवॉल्व की और दो टू टाइम की और दोनों बार सक्सेस हुए 101%। सो उम्मीद हमें कल भी 100% सक्सेस मिलेगी सीपीओ रिवॉल्व करने में। और हम एक बार नहीं करेंगे, हम डेली करेंगे। हेलो, कंटिन्यू कई बार। आप लोग सारे एक साथ खड़े हो जाओ, नाम बताओ। रुपेश साहू छत्तीसगढ़। रवि शर्मा नियर भोपाल। आकाश महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। असित मंडल वेस्ट बंगाल से। परवेज अंसारी गाजियाबाद। मुझे आप सभी से एक दो ही बात चीज में कही है, तीन दिन का आउटपुट कैसा रहा? दो दिन बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा। मैं 14 साल से काम कर रहा हूँ पर मुझे वो चीज की जानकारी नहीं थी जो तीन दिन के अंदर मिल गई। सर मैं 10 साल से काम कर रहा हूँ, मेरे को चिप लेवल में काम नहीं आती है, आप तीन दिन काम करने के बाद बहुत बहुत सी काम आती है सर। मैं भी बहुत दिनों से काम कर रहा था लेकिन जो प्रोफेशनलिज्म यहाँ पे मिला है वो किधर भी नहीं मिला है। वेरी गुड। और मैं काम करते करते मतलब जो ट्रिक्स वगैरह सर ने दिया है जिसमें दो दो तीन तीन घंटे जाया हो रहे थे मेरे, तो पांच मिनट में काम हो रहा है और रीवर्क करने का काम नहीं कर रहा है। टेक्नीशियन से टीचर बनना है, बन ही रहे हैं और समझ गए हैं सर। काम तो हम करते थे लेकिन तरीका नहीं आता था हमें कि कैसे करना है, वो काम बिगड़ते थे, लेकिन यहाँ पे आके 100% सक्सेस मिल रही है आईसीरी बोलिंग में। सर चीप लेवल पे आज तक काम नहीं किया था। चीप लेवल पे नहीं किया था तो तुमने आज पावर लगाया कि नहीं लगाया? सर लगाया। तुमने किया नहीं है और आज पावर लगा दिया, तो तुम सोचो कि हमने जब इतना काम करवा दिया डे वन में तो हमारे हिसाब से चलोगे तो आगे सक्सेस मिलेगा? कन्फर्म मिलेगा सर। आप लोगों से बस इतना जानना चाहूंगा कि नए स्टूडेंट के लिए आप लोग भी गारंटी दे सकते हो? कौन कौन दे सकता है गारंटी आप लोग बताओ। चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ये था मेरा तीन दिन क्लास का आउटपुट और ये हमारे स्टूडेंट हैं। अभी आप देखो बज रहे हैं 2:40, हम सुबह आए थे 6 बजे और अब हम अभी कोई घर जाने वाला नहीं है, हम अभी बस लेंगे क्योंकि हमने सुबह से ब्रेक नहीं लिया। अच्छा 10:30 से 2:30 तक कोई ब्रेक रहा क्या? कंटिन्यूस क्लास है और अब हम यहाँ बैठेंगे, अपनी लैब में जाएंगे और हम अपना फिर से MD सर के हिसाब से प्रैक्टिकल लैब अटेंड करेंगे जिसके अंदर हम फिर से पावर आईसी निकालने वाले। हेलो। Yes,
और एक डाटा सीट बनाएंगे. क्या बनाएंगे? डाटा सीट. ये हमारे लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि हम परसों से जब हम कल सीपीयू भी कर लें और जब हम हर आईसीयू को निकालने लगा रहे हैं तो उसके बाद में हम जब डे वन जब हम बोले तो हम बीबैट पे आ जाएंगे, बैटरी के स्कीमेटिक पर हम पढ़ना चालू करेंगे. तो हमें हर चीज आनी चाहिए, कंपोनेंट का नॉलेज, यस सर, ट्रेसिंग, यस सर, और हमें आईसी निकालना लगाना, हेलो, और आईसीयू को गिनना, हेलो, ताकि हम स्कीमेटिक को और बेहतर तरीके से समझ सकें. तो वो फिर हम सब उस समय उस दिन सब कुछ एक साथ फिट करेंगे तो हमारा सारा चीज जो डे वन से डे फाइव तक हम डे सिक्स तक कर रहे हैं वो हमारा डे सेवन में एक साथ में यूज होगा. सो बताओ एमडी सर क्या कहना चाह रहे हो. सर मैं ये बोलना चाह रहा था कि जो आप पहले दिन से देख रहे हो सवेरे की जो क्लासेस होती है अकॉर्डिंग टू देव सर होती है, जो आपको नई नई ट्रिक्स मिलती है अकॉर्डिंग टू, देखो मेरे को एक माध्यम बना के भेजते हैं. यहाँ पर हर चीज़ की एक प्रोटोकॉल है और प्रोटोकॉल है तो सर कुछ अलग पढ़ाते हैं, मेरे से कुछ अलग काम कराते हैं, अगले टीचर आएंगे उनसे अलग काम कराएंगे, तो ये यूनिटी चलती है एशिया टेलीकॉम की देव सर की बदौलत, है ना. अब उसके अंदर से हमको प्रोटोकॉल मिलता है कि भाई तुम जाके आज इस प्रकार का ट्रीटमेंट दो इनको, जो आपको मॉर्निंग में ट्रीटमेंट मिला है सर के बदौलत मिला है, सर ने जैसा समझाया वैसा मिला है, और ये एशिया टेलीकॉम को बनाने वाले सर है, और ये तुमको जो डाटा मिल रहा है आपको, हेलो, आप मिस से सोच ही नहीं सकते कि किसी इंस्टीट्यूट का ये सिलेबस होगा. आउट ऑफ सिलेबस मिल रहा है आपको, आउट ऑफ सिलेबस. और सर आपके साथ मतलब आपको मेरे हिसाब से प्लेजर होना चाहिए कि सर आप सर आपके साथ में. चलो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट भाई. एक जोरदार ताली कल के सीपीयू के लिए बजाओ भाई, और पूरी दुनिया को बताओ कि हम सारे सीपीयू लगाएंगे. हेलो इंडिया, हेलो मोबाइल इंस्टीट्यूट कॉलेज. चिल्लाने वाली बात है क्या?